छोटे बच्चे कैसे घूम रहे? मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि घर से सिर्फ एक समझदार इंसान सामान लेने मास्क लगा कर निकले, अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, और सिर्फ और सिर्फ एक शख्स कोशिश करे कि अपना सामान लेकर वो अपने घर में वापसी कर ले। अगर किसी चौक चौराहे पर लड़के खड़े होते हैं बेवजह पिकनिक टाइप की मनाते हैं, तो आप पुलिस को कॉल करें और पुलिस से उठवाए उन्हें। हालत को समझे, मजबूरी को समझे और इस खतरनाक बीमारी को समझे। इटली और अमरीका जैसी डेवलप कंट्रियों के हालात अच्छे नहीं है, वो नहीं संभाल पाए इस बीमारी को, बाकी आप लोग समझदार हैं। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है जो कोई भी बाहर ना निकले बेवजह कोई बाहर ना निकले, घर का एक समझदार आदमी सामान लेने निकले, छोटे छोटे बच्चे को और बच्चों को बाहर ना निकाले, घर का एक समझदार आदमी सामान लेने निकले और सामान लेने के बाद घर में वापस चले जाए। हालात अच्छे नहीं है, इलाके के अंदर कोरोना के पैदल आना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों को बाहर ना निकालें, कोई समझदार आदमी सामान लेने निकले और सामान लेने के बाद वापस हो जाए, और समझदार आदमी मास्क लगा के कहा जाना भाई पिकनिक मनाने निकले थे, क्या लेना है? चलिए बात कर चुके हैं, इलाके को बदनाम कर रखा है समाज का दुश्मन है। हाँ जी, कोई भी बेरोजगार चौक चौराहा खड़ा हो, कोई भी भाई समझदार है मास्क नहीं आता, बच्चे चलिए बाहर निकलते देख लो आज के बाद में। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि अब घर से सामान लेने के लिए कोई बड़ा शख्स निकले, बच्चों को घर से बाहर ना निकाले, और सामान लेने के बाद वो समझदार इंसान जो घर का सबसे बड़ा शख्स हो कोशिश करे वो निकल के सामान लेके अपना जल्दी से पहुंच जाए घर पर, क्योंकि आपको मालूम है इटली और अमरीका जैसी डेवलप कंट्रियां हालात नहीं संभाल पाई है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ भी हालात अच्छे नहीं है, कोरोना के पेशेंट आने शुरू हो गए हैं, तो संभाल लीजिए समझ जाएगा, आने वाले वक्त में नहीं संभलेगा अगर हम लोग नहीं संभले। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, सिर्फ बड़ा तक सामान लेने निकले और मास्क लगा कर निकले, और किसी चौक चौराहे पर अगर